गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीटल आई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से निकल के आ रही है IBPS से। दोस्तों आपको पता होगा जो IBPS है ये बैंकों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे अगर मैं मेन बात करूँ तो IBPS मेनली तीन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे एक ही कंडक्ट करवाता है CRP RRB, एक है CRP क्लर्क, एक है CRP POMT, PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी। तो इनमें देखिए क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है जो RRB होते हैं ये होते हैं ग्रामीण बैंक जिनको बोलते हैं, ये रूरल बैंक होते हैं यानी कि ये किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। उनके एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एक क्लर्क CRP वाला करवाता है, ये यानी कि जो नेशनलाइज बैंक हैं उनके लिए, और PO और MT ये भी नेशनलाइज बैंक के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी कंडक्ट करवाता है। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जॉब से रिगार्डिंग निकल के आई है कि नई यहाँ पे जो 9000 के अप्रोक्सीमेट जो जॉब निकल के आई है वो CRP RRB में है, यानी कि वो ग्रामीण बैंक में जॉब निकाली है यहाँ से। तो इसके लिए जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहोगे वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये चल रहा है अपने पास में न्यू एडवर्टाइजमेंट का, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मेन इसकी जो वेबसाइट है वो है IBPS.in, ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जब आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए IBPS, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे जो निकल कर आया है ये है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर Scale 1, Scale 2, Scale 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट। जो ये ऑफिस असिस्टेंट जिसको मल्टीपर्पज लिखा हुआ है ये यहाँ पे LDC की पोस्ट है दोस्तों, इसमें LDC की पोस्ट है ये, और ये किस में है, रीजनल रूरल बैंक्स में है, यानी कि जो बैंक हैं वो क्षेत्र एक क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, नेशनलाइज बैंक नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो इसकी जॉब के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप RRB, मैंने बताया कि ये क्षेत्र विशेष के बैंक हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ कि आसाम ग्रामीण विकास बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हैं जो इसका हेडक्वार्टर का है गुवाहाटी में, और जो इसका जो स्टेट है वो कौन सा लगता है, आसाम लगता है, तो यहाँ पे जो आपको नेसेसरी लैंग्वेज है वो आसामीज, बंगालीज और बोडो चाहिए। यानी कि आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप उस क्षेत्र विशेष की लैंग्वेज में आपको क्या हो, ज्ञान हो, या फिर 10th क्लास में आपके पास में एक सर्टिफिकेशन हो आप जिस क्षेत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो लोग अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं उनको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसी तरह से अपन देखें कि जो लोग राजस्थान में है, बैंक का नाम है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका हेड ऑफिस अजमेर में है, राजस्थान इसमें स्टेट लगेगा, और हिंदी यहाँ पे क्या है उसकी लैंग्वेज है, यानी कि 10th क्लास में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आप टेबल देख सकते हो कि आपने किस लैंग्वेज में 10th क्लास की हुई है, आप उस लैंग्वेज में, यानी कि उस लैंग्वेज का नहीं, उस बैंक का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये टेबल है, आप इसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें, और हर एक स्टेट की यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ जाती है। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में उसी स्टेट का केवल कंपटीशन होने वाला है आपका। तो यहाँ से एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो अभी देख लेंगे। आगे से टेबल है एज भी यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। देखो स्केल ऑफिसर स्केल 3 है उसके लिए यहाँ पे 40 है, 21 से 40 एज है, जो डेट ऑफ बर्थ का जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ पे मेंटेन कर रखी है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जो LDC वाली पोस्ट है यहाँ पर जिसको क्लर्क बोलते हैं मल्टीपर्पज़ वाला ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे 18 से 28 है, और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको एज का वो सेंटर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो सेंटर में आप देखेंगे कि STSC को 5 ईयर्स का है, OBC को 3 ईयर्स का है। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज आती हैं उनका रिजर्वेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि एक्स सर्विस मैन 5 ईयर है ना, इस तरह से आप इसको पढ़ के देख सकते हैं जो भी रिजर्वेशन वहाँ पे लगेगा। आगे अगर मैं इसमें बात करूँ आपके पास मेन जो चीज़ आने वाली है वो है देखिए ये सारे वही एक्स्ट्रा कैटेगरी जो होती है अपने पास PH वगैरह उनके बारे में दिया हुआ है, तो जिसके जो कैटेगरी लगे आप उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं देखिए ये EWS के बारे में है कि जिसकी 8 लाख से कम रुपीज़ जो इनकम है एनुअली वो EWS का बेनिफिट उठा सकते हैं वो सर्टिफिकेट बनवा के EWS वाला। तो यहाँ पे जो लिमिट की हुई है वो 8 लाख रुपीज़ और कुछ ये जो एक्स्ट्रा वो हैं वो यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो LDC की पोस्ट है यहाँ पर मल्टीपर्पज़ वाली, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो किसी में भी हो सकती है, इंजीनियरिंग में हो सकती है, मेडिकल में हो सकती है, आर्ट्स में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, और
वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट हो या ना हो, नहीं है तो आप आगे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस इसमें कोई नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके लिए और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं है, यानी कि जो फ्रेशर लोग हैं वो दो पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। इसके बाद में जो पोस्टें हैं ऑफिसर स्केल सेकंड और ऑफिसर स्केल फर्स्ट वाली जो है यहाँ से थर्ड सॉरी, तो इनके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो आप उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा ऑफिसर स्केल थर्ड, इसके लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्म की फीस क्या लगने वाली है। फॉर्म की जो फीस है वो यहाँ पे देखेंगे कि आप एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपये है दोनों के लिए ही, यानी कि ऑफिसर स्केल के भी तीनों पोस्टों के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी, और जो बाकी लोग बचे हैं जैसे कि यहाँ पे ओबीसी बच गया, ईडब्ल्यूएस बच गया, जनरल बच गया, उनके लिए 850 रुपये है। फीमेल वगैरह के लिए इसमें कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं होता है दोस्तों, और इसमें भी आपको जीएसटी अलग से लगने वाला है, जो भी होगा जब आप पेमेंट पे करेंगे तो वहाँ पे वो ऐड होके आ जाएगा। पेमेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह या यूपीआई जो भी आप चलाते हैं उसके हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल की। एग्जाम शेड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ पोस्टों के लिए डबल लेयर एग्जाम, यानी कि दो एग्जाम होंगे प्री और मेन, और कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर सिंगल एग्जाम है। तो मैं बात करूँ जो एलडीसी की पोस्ट है यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट वाली, इसके लिए दो एग्जाम कंडक्ट होंगे, पहले यहाँ पे प्री एग्जाम कंडक्ट होगा और बाद में इसका मेन एग्जाम होगा। जो प्री एग्जाम कंडक्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, प्री एग्जाम में आपके पास में केवल रीजनिंग और मैथ आने वाली है, जो 40-40 क्वेश्चन आएंगे और 40-40 मार्क्स की होगी, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसकी बात करूँ कि जो दूसरा एग्जाम होगा वो यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट का, इसमें भी केवल दो एग्जाम होंगे प्री और मेन, यानी कि जिसका प्री एग्जाम होगा सेम पैटर्न का होगा आपका जैसा एलडीसी का है, 40-40 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स के और 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में आपको जो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होगा उससे ऊपर जिनके भी कट ऑफ मार्क्स आएंगे उनको मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दोस्तों। और जो मल्टीपर्पज यानी कि जो एलडीसी का मेन एग्जाम होगा उसमें आपके पास टोटल ये 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, ये सबके लिए कंपलसरी है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक लेना है, या तो आप इंग्लिश का एग्जाम दें या फिर आप हिंदी का एग्जाम दें, दोनों में से आपको एक चूज करना है, फॉर्म फिल करते टाइम में आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, ये यहाँ पर रेशियो रहने वाला है, 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर, 200 क्वेश्चन और 2 आवर्स समय होगा। इसके बाद इसी तरह से ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट का आपके पास में दिया हुआ है मेन एग्जाम के लिए। अब मैं बात करूँ कि जो बच गए अपने पास में, यानी कि ऑफिसर स्केल सेकंड बच गया अपने पास में और ऑफिसर स्केल थर्ड बच गया, उनमें केवल सिंगल लेयर एग्जाम होगा उसका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ऑफिसर स्केल सेकंड केवल एक एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, उसका ये पैटर्न रहने वाला है आपके पास। और ऑफिसर स्केल सेकंड यानी कि जो स्पेशल कैडर है, स्पेशल कैडर में यहाँ पे आईटी वाले आते हैं, क्लियर है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, उनके लिए यहाँ पे ये सिलेबस रहने वाला, केवल एक एग्जाम कंडक्ट होगा। ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जो एक्सपीरियंस वाली पोस्टें हैं। नेक्स्ट अपने यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स वगैरह आपके वही डिसाइड होंगे, प्री केवल यहाँ पे क्वालिफाई होगा, मेन के हिसाब से यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, यानी कि मेन के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। एग्जाम सेंटर्स आप जब एग्जाम फिल करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम सेंटर्स आ जाएंगे, आप इनको पहले भी यहाँ पे एक्सेंचर सेकंड में एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं जो इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दी हुई है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करते हैं इंटरव्यू केवल यहाँ पर है जो ऑफिसर स्केल वाली पोस्टें हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, केवल उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है, एलडीसी यानी कि कलर्क के लिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट होगा। ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके ज्वाइनिंग के टाइम के लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और मैं दूसरी बात करूँ ये यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए है कि वो किस डेट को एक्स सर्विस मैन काउंट किए जाएंगे, ये प्रोविजनली अलॉटमेंट है आपका, इसमें कुछ नहीं है आपका इस अभी पढ़ने से, ये जब जॉब लगेगी तब जाके आपका इम्पोर्टेंट होगी ये सब चीज़ें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, ये वन बाई वन आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको समझ जाएंगे, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिएगा आपको, है ना, ये सब चीज़ें। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करने होते हैं कभी भी, ये आपको कंटिन्यू में करने होते हैं और स्मॉल में करने होते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, पेमेंट वगैरह का मैंने आपको बता दिया है, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इसी पोर्टल पर जाएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी 1 या 2 दिन में क्या बन जाएगा आपके पास में, इसका अलग से लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर इसको फिल कर सकते हैं।
क्लियर है दोस्तों? ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर सभी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो दी हुई हैं, यानी कि कब से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1/7 से 21/7 तक इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। पेमेंट मोड आपका वही 1 से लेकर 21 तक चलने वाला है। इसके बाद में डाउनलोड ऑफ प्री कॉल लेटर आपके 12/8 से डाउनलोड होंगे, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 24/8 से लेकर 29/8 तक होने वाला है। फिर मेन के लिए प्रीएम्बल्स के लिए, यानी कि ये कौन सा है अपने पास में, डाउनलोड द कॉल लेटर फॉर, अच्छा वो ट्रेनिंग होती है दोस्तों इसमें, जो एसटीएससी कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए अलग से एग्ज़ाम की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, वो उसका शेड्यूल है। जब आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का वो अगस्त 2020 में होंगे, और जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर 2020 में होने वाला है। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर का ही बोल रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद इसका जल्दी से रिजल्ट आता है। इसके बाद मेन के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, यानी कि अगले महीने में आपके लिए मेन के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और अक्टूबर नवंबर में इसका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, जैसे सभी लोग जानते हैं बीपीएस का। और जो फाइनली अलॉटमेंट होने वाला है वो जनवरी 2021 में आपको फाइनली अलॉटमेंट भी हो जाएगा कि आपको कौन सा बैंक मिला और कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिली है दोस्तों। तो ये था आपके लिए नोटिफिकेशन। ये यहाँ पे सीट्स हैं, किस बैंक में कितनी सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप जिस भी एरिया का आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आप सीट देख लें। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल पोस्टों की, देखते हैं टोटल दिया है कि नहीं दिया। दोस्तों टोटल तो नहीं दिया है, पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 9000 के अप्रोक्सीमेट पोस्टें बताई जा रही हैं। ये यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स का देख सकते हैं, अगर आप हरियाणा से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आएंगे आपके मेन के और प्री एग्जाम के अलग अलग सेंटर हैं। ये आपके प्री एग्जाम के लिए सेंटर कंसिडर होंगे, ये आपके मेन एग्जाम के लिए कंसिडर होंगे दोस्तों। इसी तरह से अगर आप बिहार से अप्लाई करेंगे तो आप ये देखिए सेंटर आपके ये रहने वाले हैं, यानी कि आप जिससे जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहीं पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पर प्री के जो एग्ज़ाम सेंटर है अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर, और मेन होगा केवल 3 सिटी में होगा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर में। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं।